तो यही गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बहुत सारी बिल्डिंगें होती है, बहुत सारी क्लॉक टावर पे बिल्डिंग होती है, बहुत सारी घर होते हैं, उनमें आपको रश कैसे करना है। वहाँ पे पूरी स्क्वाड बैठी होती है ऊपर और आप सीधा रश कर देते हो और मर जाते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे रश करना है, ऐसे ऐसे करना है, आप उसको फॉलो करोगे तो आप 200 पूरी स्क्वाड को ख़त्म कर सकते हो और आप पूरा भुया ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला घर आता है पोछिनों का घर। तो यहाँ पे आपको कैसे रस करना है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर स्क्वाड बैठी हुई है पूरी, मान लीजिए कि ऊपर पूरी स्क्वाड बैठी हुई है और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे रस करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पीछे आना है इस घर के छोटे वाले, और यहाँ पे जाके इस टायर पे आपको जंप कर देना है। उसके बाद यह दूसरे टायर पे अगेन जंप करना है आपको यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे धीरे धीरे जाके यहाँ पे आपको नीचे खाली जगह दिख रही होगी, वहाँ पे जाके आपको कूद जाना है। जैसे कि यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे कूद जाना है। उसके बाद आप धीरे धीरे भी जा सकते हो, भाग भाग के भी जा सकते हो, क्योंकि आप उनको लगेगा कि आप नीचे भाग रहे हो। तो यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे सीधा आपको यहाँ पे पूरा रस करके मार देना है, पूरी स्क्वाड को ऐसे करके आपको मारना है और पूरी स्क्वाड यहाँ पे गिर जाएगी आपके सामने। आप पूरी स्क्वाड को यहाँ पे मार सकते हैं और यहाँ पे देखिए, और पूरी स्क्वाड को मार के आप इमोट दिखाइए अच्छा सा। ये देखिए, जैसे ये वाला इमोट दिखाइए, आप कोई सा भी इमोट दिखा सकते हैं। तो चलते हैं हमारे दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीक का घर है। यहाँ पे आप जैसे कि जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे बंदे ऊपर बैठे रहते हैं और काफ़ी लोग जानते होंगे कि यहाँ पे बहुत मशहूर घर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऊपर एक बंदा है, हम उसको मारते नहीं हैं, आप देखिए हम इसको कैसे मारते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पीछे चले जाना आपको इस घर के, यहाँ पे जाके आपको इस टायर पे कूदना है। इस टायर पे कूदने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे MP40 लेके बैठ के और बस किल कर देना है इस बंदे को। यहाँ पे हम कर देते हैं किल, और हाँ यहाँ पे किल करने के बाद बस आप ऐसे कोई से भी बंदे को मार सकते हो, और भी बंदे बैठे होंगे तो यहाँ पे आप जाके ऐसे उछल के सबको यहाँ पे ऐसे करके किल कर सकते हो। सब पूरी स्क्वाड को यहाँ पे आप मार सकते हो, यहाँ पे जैसे कि मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे आप पूरी स्क्वाड को मार सकते हो। उसके बाद क्या, आपको इमोट दिखा देना तगड़ा सा, ऐसी दोस्तों इमोट दिखा देना आपको, ये तगड़ा सा इमोट। तो आती है हमारी तीसरी जगह। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप सब तो जानते होंगे ये पीक वाले घर को बहुत ज़्यादा मशहूर है ये वाला घर भी। तो इस घर में अक्सर बंदे बैठे रहते हैं ऊपर, तो यहाँ पे इस वाले घर में कैसे रस करना है आपको, मैं बताता हूँ आपको कैसे रस करना है। यहाँ पे आपको अंदर जाके यहाँ पे जंप करना है, यहाँ पे ऐसे आपको इधर उधर जंप करना है, जिससे क्या होगा ऊपर वाले ने अगर लैंडमाइन लगा रखा होगा तो वो फट जाएगा, मतलब फूट जाएगा वो लैंडमाइन। ऐसे आपको यहाँ पे जंप करना है, उसके बाद आपको लैंडमाइन आपका फूटने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ग्लू वॉल लगा देनी है, इस तरह से धीरे करके ग्लू वॉल लगा देनी है। उसके बाद इससे ग्लू वॉल से क्या होगा, अगर आप ऊपर रश भी करते हो तो वो बंदा आपको मार नहीं सकेगा, क्योंकि डिफेंस के लिए हमारे पास ग्लू वॉल है। उसके बाद आपको बम देना है एक अपना, और यहाँ पे आके बम फेंक देना है, जिससे उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा और वो मर जाएगा। हमने क्योंकि वहाँ पे ग्लू वॉल लगा दिया है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर जाते हैं हम, और सीधा ऊपर जाके आप रश कर दीजिए। उसके बाद ऐसे बम बंदे को आपको यहाँ पे मार सकते हो बिल्कुल भी, जितने भी बंदे हैं आप इसी सिंपली से आप उसको मार दीजिए। तो आते हैं हमारी चौथी जगह पे। चौथी जगह दोस्तों हमें क्लॉक टावर का घर है, आप देख सकते हैं ये वाला क्लॉक टावर घर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, क्लॉक टावर का घर। तो आपको ऊपर बंदे तो कैसे रस करना है, सबसे पहले तो आपको ग्लू वॉल लेनी है और इस साइड लगा देनी है, जिससे वो बंदा बंदूक लेके बैठा हुआ है और उससे उस कमरे में वो बंदा बंद हो जाएगा। ऐसे ग्लू वॉल लगा देनी है, और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे बम लेने के बाद आपको इस दीवार पे फेंकना है। इस दीवार से फेंकने के बाद क्या होगा, पीछे जो कमरा है, पीछे कमरा वाला, उस कमरे में जाके गिर जाएगा ये, और बस फिर वो वाला दूसरा उसका टीममेट है वो भी नॉकडाउन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बम फूटने के बाद सीधा आपको जाके रस कर देना है, पूरी स्क्वाड को मार देना है, और पूरी जो भी आप खेल रहे स्क्वाड सोलो, आप पूरी स्क्वाड को आसानी से क्लियरली मार सकते हो। और उसके बाद क्या, इमोट दिखा देना अपना,